सोनभद्र में नरसंहार में मारे गए मृतकों के परिजनों के जख्मों पर मरहम लगाने यूपी के मुखिया योगी आदित्यनाथ ने सोनभद्र का दौरा किया, जहां उन्होंने पीड़ित परिवारों का दर्द बांटा, जल्द से जल्द कार्रवाई का आश्वासन दिया। देखिए, सोनभद्र नरसंहार के बाद सीएम योगी पीड़ित परिवार से मिलने उम्भा गांव पहुंचे तो परिजनों में एक नई उम्मीद जागी। हत्याकांड में मारे गए लोगों के परिजनों से मुलाकात की और उन्हें हर संभव मदद करने का भरोसा दिलाया। मुख्यमंत्री ने आश्वासन दिया कि आप लोगों को अब कोई समस्या नहीं होने देंगे, पूरी तरह मैं और हमारी सरकार आपकी मदद करेगी। अगर कहीं भी आपको लगता है कि कोई व्यक्ति आपको परेशान कर रहा है, धमकी दे रहा है, तो इसके लिए पूरा पुलिस प्रशासन, पूरे कार्यकर्ता और साथ साथ यहां पर हमारे विधायक, सांसद, अन्य जनप्रतिनिधि ये आपके साथ सहयोग के लिए हमेशा यहां पर खड़े रहेंगे। इस विश्वास के साथ मैं एक बार पुनः जिन लोगों ने अपने परिवार के सदस्यों को खोया है, उन पीड़ित परिवारों के प्रति अपनी पूरी संवेदना व्यक्त करता हूं। साथ ही साथ जो लोग इस गोलीकांड के शिकार हुए हैं उन्हें विनम्र श्रद्धांजलि भी अर्पित करता हूं। जो लोग घायल हैं और उनका सोनभद्र में और बीएचयू में उपचार चल रहा है, सरकार उनके उपचार का सारा खर्च उठाएगी। आपको एक भी पैसा उसके लिए देने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। सारा पैसे का खर्च उठाने के लिए मैंने पहले प्रशासन को निर्देश जारी कर दिए हैं और साथ साथ मैं प्रशासन से इस बारे में कहूंगा कि जो बच्चे यहाँ पढ़ लिख गए हैं उन बच्चों के लिए हमारा प्रयास होना चाहिए कि उन बच्चों के लिए स्किल डेवलपमेंट के भी कुछ सेंटर यहाँ पे हमें प्रारंभ करने चाहिए, जिससे उन्हें रोजगार, नौकरी और आर्थिक स्वावलंबन की ओर अग्रसर किया जा सके। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के साथ बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह, मुख्य सचिव डॉक्टर अनूप चंद्र पांडे और डीजीपी ओपी सिंह भी मौजूद रहे। इस दौरान पीड़ित परिवार की मदद के लिए सरकार ने बड़ा ऐलान किया है। मृतकों के परिजनों को 18.5 लाख मुआवजा दिया जाएगा। सरकार ने घायलों को 2.5 लाख रुपए देने का ऐलान किया है। पीड़ितों को पीएम और सीएम आवास योजना के तहत आवास मिलेगा। सीएम ने उम्भा में पुलिस चौकी खोलने का भी निर्देश दिया। सीएम ने जिला अस्पताल पहुंचकर पीड़ितों से मुलाकात भी की। सीएम ने उनके बच्चों को गोद में उठाकर प्यार दुलार किया। मुख्यमंत्री ने इस दौरान घटना स्थल को भी देखा। वही घटना के मुख्य गवाह राजा राम से मुलाकात कर घटना की जानकारी लेते हुए मौके पर मौजूद डीजीपी से उन्हें सुरक्षा मुहैया कराने के लिए कहा। इसके बाद सीएम ने घायलों के परिजनों को विद्यालय के समीप बने छोटे से मंच पर बुलाकर 50-50 हजार रुपए का चेक दिया। उम्भा गांव में पीड़ित परिवार से मुलाकात के बाद सीएम जिला मुख्यालय में पत्रकारों से मुखातिब भी हुए। सीएम ने इस नरसंहार का ठीकरा पूर्व की सरकारों पर फोड़ा। 1989 में कैसे सोसाइटी की भूमि कुछ लोगों के नाम पर हो जाती है और 2017 में उस भूमि को कैसे फिर कुछ चंद लोगों ने ग्राम प्रधान के नाम पर कर दिया। इसमें एक पात्र वे लोग कांग्रेस से जुड़े हुए हैं जिन्होंने यहाँ के गरीब आदिवासियों के हकों पर डकैती आज़ादी के तत्काल बाद डालने का प्रयास किया था। एक कांग्रेस का यह विकृत चेहरा दलित, वंचित, वनवासी, आदिवासी विरोधी चेहरा जो ये सबके सामने आना आवश्यक है और इसकी जांच के लिए कमेटी हम लोगों ने गठित की है। कमेटी 10 दिन के अंदर अपनी रिपोर्ट देने जा रही है और सरकार इसमें किसी भी व्यक्ति को जो इन सब घटनाओं और इन गरीबों के हकों पर डकैती डालने वाले हैं, किसी को बख्शने वाली नहीं है, सबके खिलाफ प्रभावी कार्रवाई करेगी। बता दें कि 17 जुलाई को जमीनी विवाद में हुए नरसंहार में 10 लोगों की निर्मम हत्या कर दी गई थी। इस नरसंहार में करीब 20 से ज्यादा लोगों की हालत अब भी गंभीर है। घटना के बाद विपक्ष राजनीति चमकाने में लगा था।
दो दिनों तक धरना पॉलिटिक्स कर प्रियंका गांधी ने सूबे की कानून व्यवस्था पर तीर दागते हुए सरकार को घेरने की पूरी कोशिश की थी। ब्यूरो रिपोर्ट, हिंदी खबर। घंटी का बटन दबाइए और हिंदी खबर से जुड़ जाइए।